ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। असम से बड़ी खबर है, जहां असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 400 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आज हमने असम में 400 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। कुल मिलाकर हमारी सरकार में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं की संख्या 1,25,000 को पार कर गई है। लगभग 40,000 नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया चल रही है। हमने 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारी सरकार 5 साल पूरी करेगी तब तक यह संख्या 1,70,000 तक पहुंच जाएगी। असम में इतनी नियुक्तियां पहली कभी नहीं हुई थी। हम आज भी 400 युवाओं को नियुक्ति दिया हूं, सरकारी नौकरी में नियुक्ति दिया हूं। कुल मिला के हमारे सरकार की समय नियुक्ति प्राप्त करने वाला युवा युवतियों का संख्या 1,25,000 क्रॉस कर चुका है। लगभग 40,000 पोस्ट का नियुक्ति प्रक्रिया अभी भी चल रहा है। हम चुनाव का समय 1,00,000 सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन मेरा लगता है कि जब हम 5 साल पूरा करेगा तब तक हमारा नियुक्तियों का संख्या 1,70,000 तक स्पर्श करेगा। असम में कभी भी इतना बड़ा नियुक्ति नहीं हुए थे। खास करके और एक बड़ा बात है, ये नियुक्ति का बाद युवाओं का मन में कभी संदेह नहीं रहता है कि इसमें कुछ घोटाला हुआ है। उसका कारण हमारा विश्वास जो हमारे लिए है, उनका कारण हाई कोर्ट वगैरह में भी एक भी केस नहीं होता है नियुक्ति का खिलाफ, और उसका कारण हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं और निरंतर युवाओं को नियुक्ति देने का काम में हम आगे बढ़ रहा हूं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।